सो गाइस आप देख रहे हैं कितने टेस्टी स्प्रिंग रोल बने यहाँ पे। आपको लग रहा है अगर आपको ऐसे टेस्टी टेस्टी स्प्रिंग रोल बनाने हैं तो गाइस प्लीज चेक आउट दिस वीडियो। और ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, बट टू नो द एक्चुअल रेसिपी यू शुड सी द कंप्लीट वीडियो एंड द फीडबैक। ओके, सो प्लीज कमेंट करना मत भूलना। आप लोग भी घर में इसे बनाना। एंड जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसमें जितना भी इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व है वो लिख दिया है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दीज आर द नूडल्स आई हैव टेकन एंड आई वुड बी एडिंग वाटर टू दिस फॉर द बॉइलिंग। आई हैव केप्ट दिस फॉर बॉइलिंग, या ठीक है। इसमें थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल और सॉल्ट डाल देंगे ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। एंड देन वी विल स्टार्ट। वी हैव ऑलरेडी चॉप्ड आवर सम ऑफ द वेजिटेबल्स हियर, ठीक है। हमने ओनली वी हैव टेकन यू कैन सी कैप्सिकम एंड रेड एंड ऑरेंज कैरेट, ठीक है। तो हमने ये भी यहाँ पे चॉप करके रख दिया है। थोड़ा सा ऑनियन यहाँ चॉप करके रख दिया है टू बी यूज्ड। ओके, हियर वी हैव एडेड वेजिटेबल ऑयल टू दिस, राइट। एंड अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अच्छे से आटा मैदा भी गूंद लिया है। सो देयर इज दिस मैदा, यू कैन सी चेक इट्स मॉइस्टनेस। और इसको हम अभी ढका के रख देंगे एक अच्छे किचन के कपड़े से, ठीक है, ताकि कैन सी हियर अवॉइड, ताकि इसमें हवा वगैरह ना पहुंचे। एंड एक विल लीव इट ऑल असाइड। बाकी हमने प्याज को भी यहाँ पे ग्रेट कर दिया है, थोड़ा सा बचा है, प्याज को भी ग्रेट कर दिया। एंड थोड़ा सा हमारे ये यहाँ पे वेजिटेबल है ऑलरेडी कट, यू कैन सी। सो वी गोना कट दिस वेजिटेबल इनटू स्मॉल स्मॉल चॉप्ड पीसेस, राइट। तो वो चॉप करके हम दिखाते हैं आपको कैसे हमें ये छोटे छोटे बनाने। तो आप देख सकते हैं, ये आपका चाकू भी अच्छा होना चाहिए इसके लिए। वो ब्लैक कलर वाला पता नहीं हमारा कहाँ चला गया है, अदरवाइज बहुत अच्छे से कटता है। और बंद करो फिलहाल, ठीक है। एंड सी हियर, यू हैव टू टेक दिस एंड चॉप इट दिस मैन, ठीक है। ऑल्दो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल हियर, बट सी वन कैन लर्न एनी टाइम दीज थिंग्स। एंड क्योंकि इतने वीडियोज देखे हैं हमने खाने पीने के, तो मुझे लगता है ये बहुत ही छोटा सा काम है, आइटम है जो हम कर लेंगे। और ऊपर से बेटा ये बन के ना, यू कैन सी ये जब बनेंगे आपके नूडल्स के साथ तो ये अपने आप इनमें थोड़ा पानी है जो स्पाइसेस एंड सॉल्ट डाल के कम हो जाएगा। तो यू डोंट वरी अबाउट कि ये फिल होंगे कि नहीं होंगे, नौ बचाएंगे इसी में। See, we are washing the vegetables. Washing up the vegetables is again very, very important in these times and any time of the year or season. So again, we have used some bit of refined oil. अगेन मैं इसको सरसों के तेल में बनाना चाहती थी, बट क्योंकि मेरी मदर ने हैज एडवाइज्ड कि वी शुड नॉट बी मेकिंग दिस इन द सरसों ऑयल। ये देखिए हमने इसको सीव कर दिया है बहुत ही सुंदर तरीके से, बाहर निकल के आया है ये सीविंग पार्ट, आप देख सकते हैं हमारे नूडल्स का एक एक यू कैन सी दिस दे हैव कम आउट, एक एक नूडल्स निकल के ईजिली निकल के बाहर आ रखे हैं, यू कैन सी इट्स ब्यूटिफुल वाइट ऑल वाइट, क्योंकि हमने इसमें तब बनाते वक्त वेजिटेबल ऑयल डाला था। और ठीक है, इंग्रेडिएंट्स आर हियर, यू कैन सी वी हैव ऑल द विनेगर सॉस एंड या दिस वी आर यूजिंग, दिस इज इमली ट्री विनेगर, ठीक है। एंड दिस इज ग्रीन चिली सॉस वी यूजिंग, and this is the soya sauce we are using, and these should be covered, otherwise what happens ki inke pure jo aapne dekhe hi honge ye sab ud jate hain inka gas wagera inme. aur baki chopped aapne hamara dekh liya hai, yahan pe humne orange carrot li hai and capsicum liya hai, aur hamare noodles almost taiyar hai boiled hoke, we have kept them here, see, theek hai. so the preparation of spring roll, we need to make chowmein as we all know. So we are frying here our onions, grated onions, and we will use some bit of chili here. So add some chili.
एंड वेर ऑफ चिली ग्रेटेड ऑल द चिली ग्रीन चिली इज वेरी गुड अगेन फॉर हेल्थ इंस्टेड ऑफ यूजिंग रेड चिली वी शुड यूज मोर ऑफ ग्रीन चिली इन आर डाइट एंड फूड ऑल्दो यस वेस्ट स्प्रिंग रोल्स आर काइंड ऑफ अ जंक फूड एवरी वन नोज एंड दे शुडन्ट बी ईटन इन मच अमाउंट बट कैन वी यूजिंग जस्ट फॉर फन वी जस्ट हैविंग इट फॉर फन सो वी हैव बीन सेड कि जैसे आपके फटाफट प्याज वगैरह फ्राई होते हैं तो थोड़ा सा आप नमक डाल दें तो फ्राइज भी जल्दी फ्राई हो जाता है बट यहाँ हम थोड़े स्पाइस अब यूज़ करना स्टार्ट करेंगे है ना और उसके बाद हमारी फ्राइज फटाफट से ही देखिए सब्जियाँ हमने डाल दी हैं वी यूज इन और अब वेजिटेबल्स हियर एंड देयर इज दिस क्यूट लिटल पेस्ट विच शुड बी एडेड ऑन नॉट So here are the spices which we added. You can see the salt goes here. ठीक है दो दो तीन चम्मच स्वाद अनुसार होता है salt तो everyone knows. We have added some red spice here, red chili. Okay. Now we're going to use some turmeric here. अब हम थोड़े से अपने गाँव में स्टार्ट कर रहे हैं नूडल्स जी हाँ पे अच्छी खासी फ्राई हो गई है सो नाउ वी आर एडिंग यू कैन सी द नूडल्स हियर नूडल्स हमें थोड़े क्वांटिटी वाइज थोड़े ज्यादा लग रहे हैं बट ठीक है आई गेस दिस फॉर होल तो बहुत ही ब्यूटीफुली अब हम इसको रोटेट करेंगे और इसमें हम उसके बाद थोड़ा सा जैसे ये अच्छे से वेजिटेबल्स मिल जाएं इसमें तो उसके बाद अब हम उसमें सोया सॉस वगैरह डालेंगे यहाँ जितनी बना रही है आज हमारी मस्टर्ड वास्तव शेफ बनी हुई है चली हैं वो अच्छे से बढ़िया से इसको स्वर्ल कर रही हैं नूडल्स को अब थोड़ा हमारा विनेगर जाएगा ये देखें ज़्यादा नहीं हार्डली 2 टेबल स्पून वुड वर्क ताकि वो टेस्ट आए अब हम थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस डाल रहे हैं इसमें आप स्वेजवान चटनी से लेके जो आपको लगता है टेस्ट अनुसार आप डाल सकते हैं रेड सॉस भी डाल सकते हैं आप यदि आपके पास टमाटर नहीं है तो कैन एड दिस वी हैव एडेड सोया सॉस ये सोया सॉस देखिए एक तरह का वो कलर ले आती है जो हमारी इंडियन चाउमिन में हमें मिलता है वेस्टर्न कल्चर में सोया सॉस का यूज नहीं होता है वो सिंपल ऐसे व्हाइट या येलो चाउमिन ही खाते हैं बॉइल्ड चाउमिन या चाइनीज कल्चर में भी आपने ये देखा होगा वो लोग ये सोया सॉस का यूज बहुत ही कम करते हैं ये इंडिया में ही होता है और इंडिया में ही ऐसी गोल्डन ब्राउन या ब्राउनिश चाउमिन खाई जाती है just to make it spicy and to give it another taste so we are like you know using a lot here lot of strength to move it और जैसे ही आप लोग वेजिटेबल्स डालें ना वैसे ही आप लोग जैसे ही आपका वेजिटेबल पूरी फ्राई हो जाती है आपको लग जाती है और ये हाफ बॉइल्ड हाफ फ्राइड वेजिटेबल्स रहती हैं मतलब वेजिटेबल्स में थोड़ा कच्चापन सा रहना चाहिए खाते वक्त चाउमिन ठीक है तो तब आपको जैसे ही थोड़ी सी हाफ फ्राई हो जाए तो तब आप थोड़ा सा ये डाल देंगे फटाफट से नूडल्स ऐड कर देंगे ऑलमोस्ट हमारे नूडल्स या चाउमिन सॉरी अब तैयार है सो गाइस हियर आई एम मेकिंग सम पेस्ट यूजिंग मैदा ठीक है मैदा में इसके बाद थोड़ा सा पानी डालना है आपको इसमें ताकि ये पेस्ट सा बन जाए और मैदे से उसके बाद आपको ये स्पून की यूज करके अच्छे से इसको एक पेस्ट सा तैयार करना है ताकि वी वुड बी एबल टू एक्चुअली पेस्ट लगा के वी कुड बी एबल टू पैक देम अप द फिलिंग ठीक है तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से होपफुली इट्स इन वेल लाइट लिट एरिया ठीक है
So this is a very nice paste that I've made. You must be able to see. थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ, ठीक है? And this is my paste ready. ये थोड़ा सा मैंने dusting के लिए ले रखा है, right? और ये लीजिए, ये एक अच्छा हो गया, ठीक है? And this is a nice pasty paste. Hopefully it just sticks. Now this is my gundava maida. इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा ऑयल डाल के, नमक डाल के मैदा को गूंद लिया है. अब मैं देखिए इसकी छोटी सी इस तरह से गूंद की लूंगी ताकि इससे मेरा जी देखिए ये मैदे की मैदे का जो पतली सी सर्कुलर रोल है वो कैसे बनाना है. तो अभी हमारे इस पार्ट में थोड़ा सा खुलासा होगा. तो हमने थोड़ा अच्छा पिट्ठी लिए एंड ये देखिए एक ही तरफ आपको रोलिंग पिन घुमानी है ना, और बिल्कुल जैसा आप रोटी पूरी बेलते हैं वैसे आपको घुमाना है. या सी धूड़ा लगाते रहिए और अच्छा मैदा लगाइए. ये मैदा है वी आर यूजिंग एंड बस उसी के साथ रोल करिए तो बहुत पतली पतला आपका ये बन जाता है. और ऐसे ही करके जितना भी मैदा था, देखिए हमारा ऑलमोस्ट सारा मैदा यहाँ फिनिश हो गया. हमने सबकी रोलिंग जो रहती है बना दी है, प्लेट्स बना दिए, सर्कुलर मैदा प्लेट्स, ठीक है? बहुत पतला पतला थिन थिन हमने ये कर दिया है. ऐसे ही करके आपको सारों सबको बेलना है, ठीक है? ये कि इनफ ऑफ मैदा शुड बी देयर ताकि ये इजीली सरके, स्लैब पे ना चिपके और खराब ना करे. क्योंकि कई बारी हमने बनाया था तो उसमें क्या है ये स्लैब पे चिपक रही थी क्योंकि इनफ ऑफ मैदा नहीं लगा था, तो एक तरह का प्रोफेशनली वो बन नहीं रही थी, ठीक है? अभी हमने इस बार इतना प्रोफेशनली मैदा इसमें लगा दिया है कि अब बहुत ही अच्छा सर्कल देखिए कितना बढ़िया बन गया है. एंड नाउ यू कैन यूज इट फॉर द फिलिंग ऑफ द सेम. या सो आपने एक कोने पे रखना है, चारों तरफ पीस लगाना है साइमल्टेनियसली क्योंकि हमारे रोल्स भी बनने लग गए थे तो हमने इनकी फ्राइंग वगैरह भी कर दी है. तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका नूडल्स बनाना. पहले तो सब्जी काटना, अच्छे से धोना उसे और उसके बाद नूडल्स बनाना, ठीक है? नूडल्स एक बारी बन गए आपके, सब्जी और उसके बाद चाउमीन बन गई, तो उसके बाद ये मैदे का रोलिंग वगैरह डिपेंड करता है. प्लस मैदा कैसा गूंदा है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है. आप मैदा अगर ठंडे पानी से गूंदे तो बहुत अच्छे जल्दी गूंद जाता है. उसमें सिर्फ आप थोड़ा वेजिटेबल ऑयल और नमक डाल दें स्वाद अनुसार, या आप नॉर्मल पानी से भी गूंद सकते हैं. हमने ये नॉर्मल पानी से मैदा गूंदा था, बहुत सिंपल, जैसे आटा गूंदते वैसे आपको मैदा गूंदना होता है. देखिए बढ़िया से रोल करा गया है. अब ये फर्स्ट स्टेप बस, या एंड सेकेंड स्टेप in the rolling, wrapping up of the roll basically. This is wrapping up and this is the third step. Yes, B-E-A, beautiful. See how it has easily rolled. And आप बढ़िया से इसको roll करके pack कर देंगे and आप जब इसको fry करेंगे ना, देखेंगे fry करते हुए बिल्कुल नहीं खुलता. ये देखिए बढ़िया easily slide भी होता है, easily ये रोल भी हो जाता है. ये देखिए हमारे खूब सारे रोल्स यहाँ पे फ्राई भी हो गए. दिस इज द कढ़ाई वी यूज फॉर बेकिंग एंड फ्राइंग, सो दिस इज अ वेरी स्पेशल कढ़ाई फॉर अस. सो गाइस अब हम चखेंगे इनको फाइनली और आपको एंड प्रोडक्ट बताएंगे कि कैसे ये रोल्स टेस्ट कर रहे हैं. ओके Yeah, the filling starts now. We have made a very very circular. Yeah, बिल्कुल साइड से बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं. यहाँ है हमारा नूडल्स एंड ये है हमारा पेस्ट. हमने अच्छा धूड़ा यूज किया है, जितना धूड़ा आप यूज करेंगे ना तो उतना अच्छे से ये सर्कल्स बनेंगे. ये देखिए हम पेस्ट भी कितने अच्छे से लगा रहे हैं. सी द रोलिंग पार्ट ऑफ इट,
यस, ये क्लोज होता है ऐसे, ये देखिए, वाह, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, अब इसमें बढ़िया से धूड़ा लगा के, मैदा लगा के मतलब रखिएगा, क्योंकि ये प्लेट प्लेट में चिपक जाता है। वहां देखिए, ये देखिए हमारे सर्कुलर रोल्स इतने प्यारे से बने, सर्कुलर प्लेट्स एंड ब्यूटीफुली डन। हमने फ्राइंग के लिए अपनी कढ़ाई भी चढ़ा दी है ऑन अ मीडियम फ्लेम, एंड देयर वी हैव ऑलरेडी केप्ट फोर रोलिंग पैन। इतने ब्यूटीफुली इन पेस्ट लग रहा है, पर तेल का दिखा दे, तेल का। सो वी आर पुटिंग अगेन हियर सी रिफाइंड ऑयल, वहां हमारे खूब सारे रोल्स भी बन के रखे हैं। हियर इज आवर पेस्ट। तो अच्छे से देखिए ऑल द साइड्स पे सर्कल के हमने पेस्ट लगा दिया। और देखिए हम पहले पहला फोल्ड इस तरह से करेंगे, फिर दूसरा फोल्ड, फिर ये देखिए तीसरा फोल्ड अंदर की तरफ, और फिर हमने अच्छे से ये फोल्ड करना है। यस, देखिए बढ़िया से बिल्कुल रोलिंग पिन की तरह रोल हो रहा है, और अच्छे से धूड़ा लगा लगा के वापस से हमें इसको रखना है कोने पर, वहीं पर रख दे इसको, चारों ओर चल जाएगा कोने पर, ठीक है, ताकि ये देखिए हमने बढ़िया से अलग से रख दिया ताकि ये खराब ना हो जाए। अच्छा है, अभी है वो है, हमने फिर से ये निकाला है सर्कल। यस, सो हियर वी आर पुटिंग दिस नूडल्स। हम थोड़ा ज्यादा से ज्यादा भर रहे हैं वही, और देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट शीट बनी है हमारी अच्छी सी, आप इधर भी देख सकते हैं, देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट शीट है, नीचे का जो मैदा है वो तक लगा हुआ प्लेट में दिख रहा है। तो ऐसे करना है आपको, ये देखिए अगेन पूरी तरह से हमने लगा दिया है इसका, और हम देखिए कैसे फोल्ड करें, ये जो चाइनीज आइटम है इन सब में फोल्ड की ही मैदे को कैसे फोल्ड करा जाना चाहिए उसी का ही सारे ट्रिक होती है, सो दैट कैन बी इजीली लर्न एंड मोस्ट ऑफ देम आर इंडियन। हियर वी आर कटिंग आवर स्प्रिंग रोल्स, ये देखिए बहुत ही आराम से प्यार से, कितने बिल्कुल लग नहीं रहे जैसे बिल्कुल बाजार के बने है ना, और बहुत ही आसान है। सो वी आर जस्ट कटिंग देम, है ना, और देखिए कितना प्यारा नाश्ता बन जाता है वैसे बहुत लोगों का, हम यहाँ पे 5-6 अडल्ट लोग हैं तो काफी होगा हम लोग के लिए ये, गैस एंड अदर पीपल्स कैन ऑल्सो, अदर पीपल कैन ऑल्सो जॉइन अस। दिस इज ब्यूटिफुल, लाइक इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल, इट्स लुकिंग वेरी नाइस, इट्स लुकिंग लाइक अ no scenery to me right now. It's looking very nice. It's basically pure our efforts and mehnat. Yeah. Smoothly cut रहे हैं, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ भी वो नहीं है। काफी चौड़े चौड़े पीस करने हैं, यहाँ हम इनको खा भी रहे हैं, लिटरली बहुत ही टेस्टी बने हैं, थोड़ा ये कोई गाइस वी आर सेवरिंग इट विद सॉस हियर, इट्स अ ब्यूटीफुल सी, तो इतना बढ़िया है, और ये देखिए, सो दिस इज ऑलरेडी फिनिश्ड, इसका टेक्सचर देखिए, टेस्ट देखिए, अंदर से लुकआउट देखिए कितना प्यारा बना है, तो बस ये यही होता है
and we are relishing it with Szechuan chutney and tomato sauce. Hello. See guys the texture here and the things which come out. Beautiful and yummy spring roll.